वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो गेम डेवलपमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम रख लेते हैं ट्यूट 15, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 15th लेक्चर है और हमारी लास्ट क्लास से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इस कोड को मुझे आपको लास्ट में शेयर भी करना होगा तो आसानी होगी मुझे देने में। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास तक जो कोड प्रिपेयर किया था उसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो हमारा स्नेक यहाँ पर पूरी तरह से वर्क कर रहा था, जैसे डाउन अप राइट लेफ्ट डाउन अप, मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम यहाँ पर एक फूड लेंगे जिसको हमारा स्नेक खाएगा, देन उसका साइज इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। कौन कौन से, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हम लिखते हैं यहाँ पर फूड अंडरस्कोर एक्स, सेम एज इट इज हमें देना होगा फूड अंडरस्कोर वाई, और ये दोनों, इन दोनों नाम की जगह आप रोटी चावल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी फूड एक्स वाई लिया। अब इसको रेंडमली हम कुछ नंबर देंगे, तो रेंडमली नंबर देने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा एक मॉड्यूल को जिसका नाम है, हमें करना होगा इंपोर्ट और उसका नाम है रेंडम मॉड्यूल। ये क्या करता है, रेंडमली कुछ नंबर जनरेट करता है जो हमें यहां पर यूज करना है हमारे फूड एक्स और फूड वाई में। क्यों, क्योंकि हमें जो फूड वहां पर प्रिंट करना है हमारी डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर शो करवाना है सामने वाले यूजर को या जो भी हमारा गेम खेलेगा उसको, तो वहां पर रेंडमली कुछ नंबर आना चाहिए एक्स और वाई का, और उसी पर रेंडमली जो हमारा फ्रूट होगा वो शो होगा सामने स्क्रीन पर। तो उसको शो करवाने के लिए हम रेंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं। अब हमारा एक काम यहां पर रह गया था, तो हम यहां पर जो हमने विंडो क्रिएट की थी वहां पर हमने स्क्रीन की जो विड्थ और हाइट थी उसको अलग अलग नहीं लिखा था, हमने डायरेक्टली उनके साइज दे देती है 900 और 600, देखिए इस लाइन पर। तो हम यहां पर क्या करते हैं, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं स्क्रीन अंडरस्कोर विड्थ, ये क्या करेगा, ये करेगा ये कुछ नहीं, हम इसको यहां पर दे देंगे 900 और यहां पर ले लेंगे स्क्रीन अंडरस्कोर हाइट, इसमें दे देंगे 600। ये दोनों का काम कुछ नहीं है, देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, ये 900 की जगह यहां पास कर दूंगा, क्या जो हमारा स्क्रीन का विड्थ है वो दे दूंगा, और यहां 600 की जगह पर मैं दे दूंगा इसको स्क्रीन की हाइट। तो आप बोलोगे कि सर ये पहले भी हमारा वर्क कर ही रहा था, इसको चेंज क्यों किया, चेंज इसलिए किया क्योंकि जो स्क्रीन की विड्थ और हाइट की रिक्वायरमेंट है वो हमको फूड डिफाइन करने में भी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अब जब रेंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे तो हमें स्क्रीन की हाइट और विड्थ देना होगी। कैसे, मान लीजिए हम रेंडम मॉड्यूल को बोलते हैं कि रेंडम मॉड्यूल, उसके अंदर रेंडम मॉड्यूल के अंदर रेडिंट नाम से एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, रेडिंट, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं रेडिंट, ये क्या करता है, रेंडमली कुछ नंबर जनरेट करता है इंटीजर में। ठीक है, तो इसको दो आर्गुमेंट देना होता है कि कहां से कहां तक, मतलब किन नंबरों के बीच का आपको नंबर रेंडमली जनरेट करना है। तो हम स्टार्टिंग कर देते हैं उसको 0, और लास्ट इसको दे देते हैं स्क्रीन की विड्थ दे देते हैं। इससे क्या करेगा, ये 0 से स्क्रीन की जो भी हमारी विड्थ होगी उसके बीच के रेंडमली नंबर जनरेट करेगा, सेम एज इट इज हमें देना होगा वाई को भी। तो ठीक है, हम रेंडम मॉड्यूल को बोलते हैं, सॉरी रेंडम मॉड्यूल को बोलेंगे कि आप रेडिंट फंक्शन के पास जाइए और वहां से दो नंबर लाइए, कौन कौन से, 0, और स्क्रीन की जो हाइट है उनके बीच का नंबर लाइए और उसको जनरेट करिए। अब ये काम हमारा जनरेट करने का हो गया, लेकिन इसको हमें, जैसे हमने यहां पर, रुकिए मैं आपको बताता हूं, जब हमने यहां पर ड्रॉ किया था व्हाइट कलर से पहले फिल किया था, उसके बाद जब हमारा स्नेक बनाया था तो उसको हमें ड्रॉ करना पड़ा था, सेम एज इट इज हमें अपना जो फ्रूट होगा उसे भी ड्रॉ करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस लाइन को यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं हमारे व्हाइल लूप के बाहर। और इसमें क्या चेंजेस अपन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था स्नेक के लिए, अब हम कर रहे हैं फ्रूट के लिए। तो फ्रूट के लिए हमें क्या क्या इसमें चेंज करना होगा, जैसे यहां पर स्नेक एक्स है तो हमारा क्या है, यहां पर फूड एक्स है, तो ठीक है हम उसको फूड एक्स कर देते हैं, और यहां पर स्नेक वाई की जगह हमारा क्या है, फूड वाई है, तो ठीक है हम इसको कर देते हैं फूड वाई। अब ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा, मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको रन करके बताऊंगा ताकि आपको आउटपुट स्क्रीन के साथ अच्छे से समझ में आए। तो मैं इसको यहां पर
रन करता हूं और देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये हमारा जो स्नेक था ये तो वर्क कर रहा है, लेकिन हमने अभी अभी फ्रूट भी ड्रॉ किया था, तो हमारा फ्रूट कहां गया? फ्रूट गया है आपका इस डिस्प्ले के अंदर। आप बोलोगे सर कैसे, ये किसे डिस्प्ले के अंदर जा सकता है? जा सकता है, क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको पहले तो कट कर लेते हैं। अब आपने क्या किया, यहां पर देखिए लास्ट में आपने जो विंडो थी उसको व्हाइट कलर से पूरी तरह से फिल कर दिया है। अब क्या हो रहा है, पहले आपने क्या करा यहां पर, सॉरी यहां तो पहले ब्लैक था ना, इसको रेड कर देते हैं। अब भी मैं आपको रन करके बताऊंगा तो कोई इशू नहीं है। रेड कलर मैंने कैसे चूज किया, क्योंकि मैंने रेड कलर को पहले यहां पर डिफाइन किया हुआ है। देखिए ऊपर हमने पहले ही डिफाइन कर लिए थे व्हाइट रेड और ब्लैक को। अब इसको रन करके बताता हूं तो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहां पर ये रेड कलर का बॉक्स शो नहीं हो रहा है, इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका जब फ्रूट आ रहा है स्क्रीन पर किस कलर से, रेड कलर से, रेड कलर से जब आपका फ्रूट यहां पर शो हो रहा है, ये रहा, यहां पर रेड कलर का आपका जो फूड है वो स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उसके बाद वाइल लूप चलेगा और वाइल लूप क्या कर देगा, उसको व्हाइट कलर से पूरी पुताई कर देगा। तो पुताई का मतलब होता है उसको पूरा फिल कर देगा, जो हमने यहां पर फिल का यूज किया, तो ये इसको व्हाइट कलर से पूरा फिल कर देगा, जिस रीजन से आपको फ्रूट दिखेगा ही नहीं। तो फ्रूट दिखेगा नहीं तो इसने खाएगा किसे, या चलो वो खा भी लेगा, पर हमें तो दिखना चाहिए ना, हमको मजा कैसे आएगा कि हम बिना फ्रूट को देखे ही खेलेंगे, तो ये तो वो हो जाएगा अंधेरे में तीर चलाने जैसा, तो वो हमको नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर ये बता दूं कि व्हाइल लूप के अंदर आप जितनी कम कोडिंग करेंगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि व्हाइल लूप के अंदर हमारे मेन जो इवेंट है वो है, अगर आप यहां पर ज्यादा भीड़ कर देंगे तो जो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है या जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग गेम करेगा वो बढ़ जाएगा। तो इस रीजन से आप व्हाइल लूप में जितनी कम कोडिंग करें उतना अच्छा है, लेकिन फिलहाल में हमारी यहां पर ये मजबूरी है कि इस लाइन को हमें यहां पर लिखना होगा व्हाइल लूप के अंदर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये व्हाइट के अंदर आते हैं, व्हाइल लूप के अंदर, और यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए मैं इसको रन करता हूं, अब ये क्या कर रहा है, अब ये यहां पर शो कर रहा है, देखिए रेंडमली ये रेड नंबर यहां पर आया। अब मैं इसको एक बार दोबारा रन करता हूं, देखिए अभी रेड स्क्रीन जो हमारा फ्रूट है जिसका कलर रेड है ये यहां पर शो हो रहा है, ध्यान से देखना। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूं तो ये कहां पर आया, यहां पर आया। एक बार और रन करके दिखाता हूं तो ये कहां पर आ रहा है, देखिए ये यहां पर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया रेंडम मॉड्यूल को और जो एक्स और वाई है उसकी पोजीशन रेंडमली चूज कर रहा है, कौन, रेंडम मॉड्यूल। तो वो क्या करता है, रेंडमली चूज कर रहा है, जैसे फिलहाल में पहले यहां रो शो हो रहा था हमारा बॉक्स, फिर यहां हो रहा था, फिर यहां, तो ये रेंडमली जनरेट करेगा आपके फ्रूट को। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चाहते हैं कि ये स्नेक इस फ्रूट को खा ले, तो ठीक है इसको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए मेरा जो स्नेक है वो फ्रूट के ऊपर से निकल रहा है, ध्यान से देखना, ये आया और देखिए ये उसके ऊपर से निकल गया, इसको खा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने अभी कोई कोड नहीं लिखा है। तो ये स्नेक इस फ्रूट को खाएगा कैसे और इसके बाद उसका साइज कैसे इंक्रीज होगा, ये बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक करें, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट वीडियोस आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। और इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताएं कि अगला गेम कौन सा बनाना है, क्योंकि ये गेम अब कंप्लीट होने वाला है कुछ लेक्चर में, उसके बाद अगला गेम कौन सा बनाना है वो आप बताएं, वरना हम हमारे हिसाब से रेंडमली चूज करके कोई सा भी गेम फिर अगेन बना देंगे। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।